नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए और वो है जीएसटी ऑडिट। दोस्तों, ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में आज बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये बेसिक सवाल है कि किन किन रजिस्टर्ड पर्सन पर, किन किन एसेसीज पर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो ऑडिट समझते हैं कि सीजीएसटी एक्ट में ऑडिट की क्या डेफिनेशन है। यहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में सीजीएसटी एक्ट में ऑडिट की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा, ऑडिट मींस एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न्स मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न्स मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ। चार बातें, टू वेरीफाई द करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब फेयरनेस नहीं, करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड, रिफंड क्लेम, टैक्सेस पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, एंड टू असेस द कंप्लायंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब एक्ट के कंप्लायंसेस को चेक करना है, असेस करना है कि उसके कंप्लायंसेस कितने हैं। 174 सेक्शन है एक्ट में और 162 रूल्स हैं, रूल्स में सीजीएसटी रूल्स 2017 में, और लगभग 300 से ज्यादा नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स फर्निश्ड और मेंटेन्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम, टर्नओवर डिक्लेयर्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, एंड टू असेस द कंप्लायंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स। ये है जी पूरा स्कोप ऑफ ऑडिट पहला। तो अगला सवाल अभी आता है कि किन किन असेसिस पर ये एप्लीकेबल है। इसको समझने के लिए हमें 3-4 डिफरेंट प्रोविजंस को इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों सीजीएसटी एक्ट और रूल्स के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 35 सब सेक्शन 5। वो कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हूज टर्नओवर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड एंड सबमिट ए कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स अलोंग विद द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Who shall audit? A chartered accountant or a cost accountant? Now, this is section 35(5). Every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit. Turnover during a financial year exceeds the prescribed limit. Prescribed limit जो है वो rules में prescribed है दोस्तों। फटाफट रूल 80 पर आ जाते हैं, रूल 80 सब रूल 3। वहां कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हूज एग्रीगेट टर्नओवर। 35(5) में दोस्तों टर्नओवर शब्द प्रयोग किया है, रूल में एग्रीगेट टर्नओवर शब्द प्रयोग किया। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हूज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड एंड सबमिट ऑडिटेड अकाउंट्स अलोंग विद द ड्यूली सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो जी पहला, अब इन दोनों प्रोविजंस को पढ़कर ये समझ में आया कि टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर यहां पर एक थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन हम टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन हम एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ेंगे, क्योंकि टर्नओवर इज नॉट डिफाइंड, टर्नओवर इन ए स्टेट इज डिफाइंड इन द लॉ। सो हम लोग टर्नओवर की जगह एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर की अगर डेफिनेशन पढ़े तो वो कहते हैं जी, इट इन एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट सप्लाईज प्लस व्हाट यू कॉल दैट प्लस सप्लाइज मेड ऑन इंटरस्टेट सप्लाइज मेड ऑन सेम पैन कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अब यहां पर एग्जेम्प्ट सप्लाइज भी इंक्लूडेड है। एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं तो वहां लिखता है जी, निल रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई की जब डेफिनेशन देखते हैं तो वहां लिखता है जी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज नॉन लिवेबल टू टैक्स अंडर दिस लॉ। और नॉन लिवेबल टैक्स कौन सी है यहां पर अंडर दिस लॉ? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी, क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल इज पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इज पार्ट ऑफ एग्रीगेट, तो इसका मतलब कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी एग्रीगेट सप्लाई में जुड़ेगी टू डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ऑडिट। अब यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़, और यहां पर एक बात ध्यान रखिए, एग्रीगेट टर्नओवर में जो सेम पैन पे इंटरस्टेट सप्लाईज है, मतलब ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर्स हैं, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट अंडर जीएसटी। अब यहां पर बात आती है, हमने एग्रीगेट टर्नओवर समझ लिया,
सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 एक और बात करता है, वो एनुअल रिटर्न का सेक्शन है। वो कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 35(5) शेल फर्निश द अलोंग विद द एनुअल रिटर्न ऑडिटेड एनुअल अकाउंट एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाइज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न विद द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट। यहां पर सेक्शन 44 में हमें यह बताया कि हमने ऑडिटेड अकाउंट्स को सबमिट कैसे करना है। सेक्शन 35(5) और रूल 83 हमें बेसिक्स बताते हैं कि एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है। 44 सेक्शन ये बताता है कि हमें ऑडिटेड रिपोर्ट को सबमिट कैसे करना है अपनी एनुअल रिटर्न के साथ। दोस्तों हमें ये सबमिट करना है, एनुअल रिटर्न प्लस ऑडिटेड अकाउंट्स प्लस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब आप अगर इन सारे प्रोविजंस को इन कंजंक्शन विद पढ़ें, इकट्ठे पढ़ें दोस्तों, तो हर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो शायद यहां एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर, हर रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ऊपर है, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपना ऑडिट कराना है। उस ऑडिट कराने के बाद ऑडिटेड अकाउंट्स को एनुअल रिटर्न के साथ, एनुअल रिटर्न का सबमिशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स। मतलब ये हुआ कि एनुअल रिटर्न सिर्फ उसने फाइल नहीं करनी जिसने ऑडिट कराना है, एनुअल रिटर्न तो सभी रजिस्टर्ड पर्सन्स ने फाइल करनी है। सेक्शन 44 में जिसने ऑडिट कराया एनुअल रिटर्न के साथ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स प्लस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देगा, ड्यूली सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देगा। मतलब ये हो गया कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज नॉट अ रिपोर्ट बट अ सर्टिफिकेट दोस्तों। और इसका मतलब हमें यहां पर बहुत ऑब्जेक्टिवली हर आइटम को सर्टिफाई करना होगा। और ऑडिट क्या है, हर आइटम को सर्टिफाई करना है टू वेरीफाई द करेक्टनेस, मतलब एक्चुअल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें चेक करनी है वाइल सर्टिफाइंग द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यहां पर हमने पूरी एप्लीकेबिलिटी की बात की। यहां पर मेरे 2 सवाल हैं दोस्तों आपसे। पहला सवाल जो है, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके 10 GSTIN में रजिस्ट्रेशन है, मतलब 10 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, और उसकी इंडिविजुअली हर स्टेट में जो टर्नओवर है वो 25 लाख रुपए, लेकिन जब एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं वो 2.5 करोड़ हो जाती है, तो क्या उसको जीएसटी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है? दोस्तों मेरे हिसाब से, टू माय अंडरस्टैंडिंग, एग्रीगेट टर्नओवर इज टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। यहां पर जब हम ऑल इंडिया बेसिस को एग्रीगेट करते हैं तो 2.5 करोड़ आती है, तो इसका मतलब उसके ऊपर जीएसटी की सेक्शन 35(5) रेड विद रूल 83 एप्लीकेबिलिटी है। हर GSTIN पर उसने अपना सेपरेट जीएसटी ऑडिट करवाना है, अनलेस डिपार्टमेंट डज नॉट क्लेरिफाई। इट इज द ओनली प्लेन रीडिंग ऑफ द लॉ। सेकंड क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। अब 2 सवाल है ना जी, हम अगर एग्रीगेट टर्नओवर को अलग से पढ़ लिया और फाइनेंशियल ईयर को अलग से पढ़ लिया, फाइनेंशियल ईयर इन जनरल पार्लेंस हम 1 अप्रैल से 31 मार्च समझते हैं, लेकिन यहां पर जब हम फाइनेंशियल ईयर को एग्रीगेट टर्नओवर के साथ पढ़ेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इसका मतलब क्या हमें 1 जुलाई से एग्री फाइनेंशियल ईयर लेना है या 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर लेना है, और उसमें जो पुरानी जो अर्स्टवाइज रिजीम है उसकी टर्नओवर भी यहां पर जोड़नी है? दोस्तों अगेन अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी रेड विद एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर शैल बी कैलकुलेटेड इन दिस पर्टिकुलर लॉ। एग्रीगेट टर्नओवर शैल नॉट इंक्लूड द टर्नओवर जो पिछले लॉ में थी, तो एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूटेड अंडर दिस लॉ वो होगी 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक। तो एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2018। सो दोस्तों हमने यहां पर ऑडिट, उसकी एप्लीकेबिलिटी और कुछ जो बेसिक सवाल थे उनके जवाबों की देने की कोशिश की है। मैं ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।